नमस्कार दोस्तों, रूप सिंह मैथ साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपना साधारण ब्याज का पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। अपन साधारण ब्याज के 2 वीडियो पहले डाल चुके हैं, 2 वीडियो में कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। आज अपनी पार्ट 3 है। देखिए दोस्तों, पार्ट 3 में अपना पहला क्वेश्चन कह रहा है, कोई धन 2 वर्ष में 880 और 3 वर्ष में 920 हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर से वह धन ज्ञात कीजिए, यानी कि मूलधन ज्ञात करवा है। कोई धन 2 वर्ष में 880 तथा 3 वर्ष में 920 हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर से वह धन ज्ञात कीजिए। धन ज्ञात कीजिए। अपना क्वेश्चन कह रहे हैं, कोई धन 2 वर्ष में 880 तथा 3 वर्ष में 920 हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर से वह धन ज्ञात कीजिए। यहां से अपन को मूलधन ज्ञात करना है। 2 वर्ष में 880 और 3 वर्ष में 920। तो दोस्तों, ये साधन ब्याज जो बड़ा, ये साधन ब्याज 880 से 920 होने में इसको 1 वर्ष लगी, और मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूं कि साधन वर्ष प्रत्येक वर्ष समान बढ़ता है। तो दोस्तों, यहां पर 1 वर्ष में साधन ब्याज 40 रुपए बढ़ा, तो यहां पर 2 वर्ष में साधन ब्याज 80 रुपए बढ़ा होगा। तो दोस्तों, साधन ब्याज अपन जब कंप्लीट जोड़ते हैं तो तीनों वर्ष का साधन ब्याज यहां से 120 रुपए होता है। तो दोस्तों, जब 120 रुपए होता है और अपना 3 वर्ष का मिश्रधन 920 रुपए है, और 920 में से जब अपन 120 घटाएंगे तो यहां से अपना मूलधन निकल के आएगा 800। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मिश्रधन में से अगर अपन ब्याज को घटा देंगे तो अपना मूलधन बचेगा, और मूलधन में अपन ब्याज जोड़ देंगे तो अपना मिश्रधन बनेगा। तो यहां से अपना 2 वर्ष में 880 था और 3 वर्ष में 920 था, यानी कि 1 वर्ष का डिफरेंस 40 रुपए आ रहा था, तो यानी कि साधन ब्याज 1 वर्ष में 40 बढ़ा। तो यहां पर 2 वर्ष में 880, तो यहां पर 2 वर्ष में 80 बढ़ा होगा, क्योंकि जब 1 वर्ष में 40 बढ़ रहे तो 2 वर्ष में 80 बढ़ेगा। तो यहां से जब 1 वर्ष में 40 और 2 वर्ष में 80, तो तीनों वर्ष में टोटल मिला के 120 रुपए बढ़ा होगा, और तीनों वर्ष का अपना मिश्रधन यहाँ पर 920 दे रखा है। तो 920 में से अपन साधारण ब्याज को घटाएंगे तो यहां से अपना मूलधन निकल के आएगा दोस्तों 800। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, कोई धन साधन ब्याज की दर से 3 वर्ष में 550 और 4 वर्ष में 650 हो जाता है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। कोई राशि साधन ब्याज की दर से 3 वर्ष में 550 तथा 4 वर्ष में 650 हो जाती है तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। अपना क्वेश्चन कह रहा है, कोई धन 3 वर्ष में 550 तथा 4 वर्ष में 650 हो जाता है तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। यहां से अपन को मूलधन ज्ञात करना है। 3 वर्ष में 550 हो रहा है और 4 वर्ष में 650 हो रहा है। दोस्तों, ये मूलधन नहीं है, मिश्रधन है, क्योंकि 3 वर्ष में 550 हो रहा है और 4 वर्ष में 650 हो रहा है। तो यहां से 1 वर्ष का डिफरेंस और रुपयों में यहां पर 100 डिफरेंस, यानी कि 1 वर्ष में दोस्तों साधारण ब्याज अपना 100 रुपए बढ़ रहा है।
तो दोस्तों अपना तीन वर्ष में अपना साधारण ब्याज 300 रुपए और बड़ा होगा। तो दोस्तों अपना तीन वर्ष का साधारण ब्याज ये और एक वर्ष का साधारण ब्याज ये इन दोनों का टोटल करेंगे तो यहाँ से 400 निकल के आएगा और अपना चार वर्ष का मिश्रित धन अपन को 650 रुपए दे रखा है। तो दोस्तों अपन 650 में से 400 माइनस करेंगे तो यहाँ से अपना मूलधन निकल के आएगा 250। दोबारा देखिए दोस्तों एक बार क्वेश्चन कह रहा है तीन वर्ष में 550 और चार वर्ष में 650 हो जाता है तो वह धनराशि यानी कि मूलधन ज्ञात कीजिए। तीन से चार यानी कि यहाँ एक वर्ष बढ़ा और रुपये में यहाँ पर 100 बढ़ा यानी कि एक वर्ष में 100 रुपए बढ़ रहे हैं और साधारण ब्याज हर वर्ष समान बढ़ता है यानी कि तीन वर्ष में साधारण ब्याज यहाँ पर 350 बढ़ा 300 बढ़ा होगा 300 और 100 टोटल करेंगे क्योंकि चार वर्ष का अपन टोटल करेंगे तो यहाँ से अपना साधारण ब्याज जुड़ेगा 400 और यहाँ से अपना मिश्रधन दे रखे अपन को 650। 650 में से अपन साधारण ब्याज घटाएंगे मिश्रधन में से साधारण ब्याज घटाएंगे तो यहाँ से अपना मूलधन निकल के आएगा दोस्तों 250। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कोई धन साधारण ब्याज की दर से चार वर्ष में 758। साधारण ब्याज की दर से चार वर्ष में 758 तथा छह वर्ष में 875 हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन या वह धनराशि ज्ञात कीजिए। अपना क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कोई धन साधन ब्याज की दर से चार वर्ष का मिश्रधन अपन को 778 दिया गया है जबकि छह वर्ष का मिश्रधन अपन को 875 दिया गया है और अपन से मूलधन ज्ञात करवा रहे यानी कि चार वर्ष का मिश्रधन अपन को 758 और छह वर्ष का मिश्रधन अपन को 875 यानी कि ये दो वर्ष का यहाँ पर चार से छह होने में 2 वर्ष लगी तो यहाँ से अपन देखिए 2 वर्ष में अपना ब्याज कितना बढ़ा 875 में से 758 घटाएंगे 15 में से 8 गया 7 या 6 बचे 17 यानी कि 117 यानी कि 2 वर्ष में 117 रुपए बढ़े तो 4 वर्ष में 234 बढ़े होंगे। तो 4 वर्ष में 234 बढ़े होंगे यानी कि अपन को 4 वर्ष के मिश्रधन में से अपन 4 वर्ष के मिश्रधन में से अपन ने 4 वर्ष का क्योंकि यहाँ पर अपना ये ब्याज 2 वर्ष का था तो 4 वर्ष में 2 वर्ष का दुगना होगा 234 तो यहां से अपन 234 घटाएंगे 4, 2, 524 तो यहां से अपना मूलधन 524 निकल के आया। लेकिन दोस्तों अगर अपन 6 वर्ष का मिश्रधन जोड़ेंगे 170 और 234 को जोड़िए अपना 6 वर्ष का मिश्रधन जुड़कर आया और अपना 6 वर्ष का ब्याज जुड़ कर आया और अपना 6 वर्ष का मिश्रधन 875 है तो अपन 6 वर्ष के में से घटाएंगे 875 में से 351 घटाएंगे 5 में से 1 गए 4। दोस्तों चाहे 4 वर्ष का ब्याज जोड़ा अपन ने तो 4 वर्ष के मिश्रधन में से घटाया और अपन ने 6 वर्ष का ब्याज जोड़ा तो अपने 6 वर्ष के मिश्रधन में से घटाया। एक बार दोबारा देखिए क्वेश्चन कह रहा है 4 वर्ष में मिश्रधन 758 है तथा 6 वर्ष में मिश्रधन 875 है यानी कि 2 वर्ष का अंतर 2 वर्ष बढ़ रहे हैं और पैसे में 117 बढ़ रहे हैं यानी कि 4 वर्ष में 1 वर्ष में 2 वर्ष में 117 जबकि 4 वर्ष में 234 बढ़ रहे हैं और 6 वर्ष में 351। अगर अपन 4 वर्ष का ब्याज घटाएंगे तो अपन को 4 वर्ष के मिश्रधन में से घटाना होगा और अपन 6 वर्ष का ब्याज घटाएंगे तो अपन को 6 वर्ष के मिश्रधन में से घटाना होगा। दोस्तों अपन ने 6 वर्ष का मिश्रधन घटाया तो भी अपना आंसर 524 आया और 7 वर्ष का मिश्रधन अगर घटाया 4 वर्ष का मिश्रधन 4 वर्ष के ब्याज अगर घटाया इसमें से तो भी 524 आया। चाहे तरीका कोई सा भी हो दोस्तों आंसर एक ही आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 460 और 5 वर्ष में 500 हो जाती है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 460 तथा 5 वर्ष में 500 हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अपना क्वेश्चन कह रहा है कोई धन राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 460 तथा 5 वर्ष में 500 हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दोस्त अब की बार अपन से मूलधन नहीं पूछा है, अब की बार अपन से दर पूछी है। पहले अपन इसमें देखिए 3 वर्ष में 460 और 5 वर्ष में 500 हो जाती है, यानी कि यहाँ पर समय 2 वर्ष बढ़ रहा है और ब्याज यहाँ पर 40 रुपए बढ़ रहा है। तो यानी कि अपन यहां से 1 वर्ष का ब्याज काटेंगे तो 40/2, क्योंकि दोस्तों 2 = 40 तो बटे में 1 मानेंगे तो ये 2 से इसको काटेंगे तो 40, यानी कि 1 वर्ष का ब्याज अपना 20 रुपए बढ़ रहा है। यानी कि अपना 1 वर्ष का ब्याज कितना बढ़ रहा है, 20 रुपए। तो यहां से अपना 1 वर्ष का ब्याज 20 रुपए बढ़ रहा है तो 5 वर्ष का ब्याज अपना 100 रुपए बढ़ेगा। 5 वर्ष का ब्याज कितना बढ़ेगा, 100 रुपए। तो यहां से 5 वर्ष का निसर्जन अपन को 500 दिया गया है और 3 वर्ष का निसर्जन अपन को 460 दिए गए। अपन 5 वर्ष के निसर्जन अपन को 500 में से अपना 100 ब्याज घटाएंगे तो यहां से अपना मूलधन निकल के आया 400। और यहां से भी अपन देखिए 3 वर्ष के निसर्जन 460 दिए गए और 3 वर्ष का ब्याज अपना 60 होगा तो भी अपना मूलधन 400 निकल के आएगा। लेकिन दोस्तों अब की बार मूलधन नहीं पूछा है, इसमें अब की बार इसमें रेट दर पूछी है। तो अपना साधारण ब्याज का एक ही फॉर्मूला है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। अब की बार अपन से दर पूछी है, साधारण ब्याज अपना 20 दिया गया है क्योंकि 1 वर्ष का साधारण ब्याज 20 है। मूलधन अपना 400 निकल के आया, दर अपन को निकालनी है, समय अपना 1 वर्ष। समय 1 वर्ष इसलिए लिया क्योंकि अपन ने 1 वर्ष का ही ब्याज लिया है। और अब जब अपन ने 1 वर्ष का ब्याज लिया है, इस 20 से 20 काटी और इस 4 से इसको 20 को काटेंगे तो 5, यानी कि अपनी दर निकल के आई यहां से 5%। एक बार दोबारा देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हर कंपटीशन एग्जाम में लगभग आ जाता है। क्वेश्चन कह रहा है साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 460 तथा 5 वर्ष में 500 हो जाती है तो वह दर ज्ञात कीजिए। अपन को दर ज्ञात करने के लिए दोस्तों पहले अपन को ब्याज पता होना चाहिए और अपन को पहले मूलधन पता होना चाहिए। तो दोस्तों 3 से 5 होने में 2 वर्ष लगे और अपना ब्याज यहाँ पर 40 रुपए बढ़ रहा है, यानी कि 1 वर्ष में अपना ब्याज 20 रुपए बढ़ेगा। तो अपना यहाँ से मूलधन अपन इधर निकालते हैं तो अपना 400 रुपए आता है। और अपना दोस्तों साधन ब्याज का उसी फॉर्मूले में रखते हैं, अपन साधन ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, 20 = 400 इंटू दर इंटू अपना मिश्रित मूलधन 400 निकल के आया, दर अपन को निकालनी है। समय 1 वर्ष इसलिए लिए गए क्योंकि दोस्तों 1 वर्ष का ही ब्याज 20 रुपए है। तो अपन ने रखा तो 20 से 20 खत्म करी, इधर 4 बचा, जब 20 को 4 से काटते हैं तो अपनी दर निकल के आई 5%। दोस्तों एक और क्वेश्चन ऐसा करते हैं अपन जिससे इस तरह के क्वेश्चन अपने क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है अपना, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 560
तीन वर्ष में 560 तथा पांच वर्ष में 600 हो जाती है। तो दर ज्ञात कीजिए दोस्तों। सेम क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लगभग लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं एक टाइप के दो क्वेश्चन करा रहा हूं। कोई धनराशि तीन वर्ष में 560 तथा पांच वर्ष में 600 हो जाती है तो वह दर ज्ञात कीजिए। अपन ने पहले क्वेश्चन में दर ज्ञात करने के लिए पहले अपन ने ब्याज निकाला और मूलधन निकाला, सेम तरीका अपन सेम प्रोसेस यहां करेंगे। तीन वर्ष में 560 मिश्रधन है और पांच वर्ष में अपना मिश्रधन 600 है, यानी कि यहाँ पर दोस्तों समय वही दो वर्ष बढ़ रहा है और ब्याज का अंतर अपना 40 बढ़ रहा है। तो अपन ने पहले भी देखा कि यहाँ से एक वर्ष का ब्याज अपना 20 निकल के आएगा और अपना तीन वर्ष का, एक वर्ष का ब्याज 20 तो तीन वर्ष का 60 और पांच वर्ष का ब्याज अपना 100 निकल के आया। चाहे तीन वर्ष के मिश्रधन में से तीन वर्ष का ब्याज घटाओ, चाहे पांच वर्ष के मिश्रधन में से पांच वर्ष का ब्याज घटाओ, मूलधन अपना सेम आएगा। तो अपन तीन वर्ष का मिश्रधन अपना 560 है और तीन वर्ष का ब्याज अपना 60 है, इसको घटाएंगे तो अपना मिश्रधन निकल के आया यहाँ से 500। और दोस्तों अपने अब तक जितने भी क्वेश्चन किए साधारण ब्याज में एक ही फॉर्मूले से, उसी फॉर्मूले से करेंगे अपन। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन इनटू दर इनटू समय बटे 100। अपन ने यहाँ से मूलधन काटा है दोस्तों 500 और ब्याज काटा है 20, तो 20 मूलधन अपना 500, दर अपन को ज्ञात करनी है, समय अपना एक वर्ष, क्योंकि दोस्तों समय अपन ने एक वर्ष इसलिए लिया क्योंकि अपन ने ब्याज भी एक वर्ष का ही काटा है। एक वर्ष का ब्याज 20 रुपए निकला, तीन वर्ष का ब्याज 60 रुपए निकला, तो अपन ने तीन वर्ष के मिश्रधन में से ब्याज को घटा दिया, तो यहाँ से अपना मूलधन 500 निकल के आए। चाहे दोस्तों पांच वर्ष के मिश्रधन में से पांच वर्ष का ब्याज घटाएंगे तो भी मिश्रधन मूलधन अपना 500 ही निकल के आएगा। तो यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, दो जीरो से दो जीरो, पांच से बीस को काटेंगे चार बार, तो यहाँ से अपनी दर निकल के आई 4%। एक बार दोबारा देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लगभग लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में हर वर्ष आता है। तीन वर्ष में 560 तथा पांच वर्ष में 600 हो जाती है, तो दर ज्ञात कीजिए दोस्तों। दर ज्ञात करने के लिए पहले अपन को ब्याज निकालना होगा और पहले अपन को मूलधन निकालना होगा, फिर अपना वही फॉर्मूला में सेट करना होगा और अपना मतलब कि यहाँ से दर निकल के आएगी। चाहे दर पूछो चाहे समय पूछो दोस्तों, इस फॉर्मूले से हर कुछ चीज निकलती है। देखिए ब्याज अपना 20 है, मूलधन अपना 500 है, दर अपन को ज्ञात करनी है, समय एक वर्ष, क्योंकि एक वर्ष का ब्याज लिया तो समय एक वर्ष इंटू 100 बटे 100। तो यहाँ से अपन दो जीरो से दो जीरो खत्म करी, यहाँ से पांच से बीस को काटा चार बार, अपने दर निकल के आई दोस्तों 4%। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।